आज जो राउज एवेन्यू में देखने में मिला, मुझे लगता है कि उससे एक बात बड़ी साफ है कि सीधा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, प्रधानमंत्री कार्यालय से इस चीज के निर्देश दिल्ली पुलिस को दिए गए हैं कि मनीष सिसोदिया जी को अपमानित किया जाए, उनके मनोबल को तोड़ दिया जाए, उनके आत्मविश्वास को कुचल दिया जाए और उनकी ये तस्वीरें इस तरीके से पब्लिक की जाएं कि दिखाएं कि देखिए अब हमने एक आदमी को मिट्टी में मिला दिया और ऐसे हम किसी को मिट्टी में मिलाते हैं। ये होंगे कहीं के नेता, ये होंगे कहीं पे डिप्टी सीएम, बट आज हमने इनको ये करके दिखा दिया। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा और मुझे वो जो पुलिस वाले हैं उनका सस्पेंशन हो ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी उसकी कोई अहमियत ही नहीं है उस पुलिस वाले की। उसको जो ऑर्डर दिए गए वो ऑर्डर उसने किए। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसके अंदर मनीष सिसोदिया जी राउज एवेन्यू कोर्ट में, और ये कोर्ट में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये मामला जो है पुलिस कस्टडी का मामला है, जुडिशियल कस्टडी का मामला है, उस कोर्ट की जिम्मेदारी है कि जुडिशियल कस्टडी के अंदर जो एक्यूज है उसके साथ गलत बर्ताव ना हो। ये कोर्ट प्रेमिसेस का एक मामला है। मैं आपको दिखाऊंगा कि मनीष जी से मीडिया ने कुछ सवाल किया और मनीष जी बहुत ही साधारण तौर पे एक राजनीतिक जवाब दे रहे हैं। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि वो अपने केस से संबंधित कोई ऐसी बात बोल रहे हैं जिससे उनका केस जो है पुलिस के लिए प्रोसिक्यूशन खराब हो जाएगा, ईडी सीबीआई के लिए कोई दिक्कत हो जाएगी कि उनका जुबान बंद करना बहुत जरूरी था। मनीष जी को गर्दन से पकड़ के एक पुलिस के एसीबी खदेड़ते हुए ले गए और ये तब है जब देश की सारी नेशनल मीडिया वहां पे कैमरा लेके खड़ी है। और अभी अभी दिल्ली पुलिस का एक वक्तव्य आया है, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से भेजा है कि ये मनीष जी की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी था कि उनको गर्दन से पकड़ के ले जाया जाए। उन्होंने कहा कि ये पुलिस का प्रोटोकॉल है कि जब हमारी कस्टडी के अंदर कोई होता है तो वो मीडिया से बात नहीं कर सकता। मैं आपको अभी सुकेश चंद्रशेखर के करीब आधा दर्जन वीडियो दिखाऊंगा। उसी दिल्ली पुलिस की जुडिशियल कस्टडी के अंदर सुकेश चंद्रशेखर हैं और बाकायदा दिल्ली पुलिस उनको पूरा मौका दे रही है कि वो मीडिया से बात कर सके और जो मैसेज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ देना चाहते हैं उसका पूरा प्रयोग भारतीय जनता पार्टी एमसीडी इलेक्शन में कर सके। तो दिल्ली पुलिस का ये जो कहना है तुरंत जो ट्विटर पे आया कि हमारी जुडिशियल कस्टडी में ये प्रोटोकॉल है कि हम किसी को मीडिया से बात नहीं करने देते, मुझे लगता है कि इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि दिल्ली पुलिस को आज इतना कॉन्फिडेंस है कि वो इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलेंगे कि सब लोग मान लेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी वालों को बताना चाहता हूं, सत्ता हमेशा आपके पास रहेगी नहीं, सत्ता बहुत चंचल होती है, आज तुम्हारे पास है कल किसी और के पास होगी। आप जो नियम खेल के तय कर रहे हो ये खेल इन्हीं नियमों से आगे चलेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को बताना चाहता हूं, आपने राजनीति के अंदर सारी शुचिता त्याग दी, आपने इस राजनीतिक लड़ाई को इस तरीके से व्यक्तिगत लड़ाई बना दिया है कि आज तक इस तरीके से नहीं हुआ कि एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कैमरा के सामने हो रहा है। आप सोचिए जेल के अंदर ये हमारे नेताओं के साथ क्या व्यवहार करते होंगे, जो ये कुछ कुछ दिनों के अंदर पूछताछ के लिए हमारे नेताओं को बुलाकर सुबह से लेकर शाम तक रखते हैं, ये क्या दुर्व्यवहार कर रहे होंगे। और जिस तरीके से अपोजिशन पार्टी के नेताओं को जेल में भरने की एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, वो सीधा सीधा उनके आत्म स्वाभिमान को कुचलने की कोशिश है। और दिल्ली के लोग, देश के लोग ये देख रहे हैं कि जो
सत्ता का नाच भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है, ये जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ उछल उछल के जो कूद रही है ना, ये सब देख रहे हैं। और ये सत्ता जनता ने दी है इनको, और जो ये दुरुपयोग कर रहे हैं वो सब लोग देख रहे हैं। सत्ता हमेशा नहीं रहेगी, मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को बताना चाहता हूँ, क्या वो दिल्ली में कर रहे हैं और वो क्या वो अन्य राज्यों में कर रहे हैं, आज जरूर हो सकता है कि उसकी जांच नहीं हो रही है क्योंकि जांच एजेंसियां इनके हाथ में हैं, मगर जांच भी होगी, आज नहीं तो कल होगी और कल नहीं तो परसों होगी, जांच सबकी होगी। और खेल के नियम ऐसे ही रहेंगे, अब ऐसा नहीं है कि हम खेल के नियम बदल देंगे कि अब वापस वैसे ही कर लेते हैं, वाजपेयी जी और मनमोहन सिंह वाला समय दोबारा ले आते हैं, अब जो समय ला रही है भारतीय जनता पार्टी वो सबके सामने। कोई आपका सवाल है? कस्टडी में हुआ है तो क्या कोर्ट में मूव करेंगे, कोर्ट के बाहर का मामला है? देखिए मेरा मानना तो ये है कि उस कोर्ट को इसका खुद ही सू मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए था, क्योंकि अगर कोई आरोपी जुडिशियल कस्टडी में है तो बेसिकली वो कोर्ट की कस्टडी में है, वो कोर्ट की धरोहर है जिनको उन्होंने जेल में सौंपा हुआ है, तो जो हुआ है वो तो बहुत गलत हुआ है और कोर्ट को उसका जो है खुद संज्ञान लेना चाहिए था। मगर मैं समझता हूं कि ये मामला जो है किसी एक पुलिस अफसर का नहीं है, ये मामला सरकार का है, ये मामला प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से दिए हुए डिक्टेट का है कि आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को कुचल दीजिए।